जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेग मान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। आरयूसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। द मिशन ऑपरेशंस टीम इज एनालाइजिंग द डेटा। वी कैन ऑल सी द सीरियसनेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन विद विच ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ द लैंडर मॉड्यूल इज बीइंग एनालाइज्ड। द परफॉर्मेंस सो फार सीम्स टू बी नॉमिनल। जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं चंद्रयान-3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले। The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। द नेक्स्ट फेज आफ्टर द रफ ब्रेकिंग फेज इज द एटीट्यूड होल्ड फेज विच विल बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ नियरली 10 सेकेंड्स। द लैंडर विल इन द पावर डिसेंट फेज एंड वी आर इन द रफ ब्रेकिंग फेज विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द पावर डिसेंट। वी हैव करेंटली ट्रेवल्ड अ डाउन रेंज ऑफ 697 किलोमीटर्स एंड द डाउन रेंज दैट हैज टू बी ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस फेज इज 713.5 किलोमीटर्स। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। एट द सेम टाइम वी कैन सी द आल्टीट्यूड ऑफ द लैंडर इज जस्ट 17.8 किलोमीटर फ्रॉम द मून सरफेस, विच इज गोइंग टू बी अराउंड 7.4 एट द एंड ऑफ द रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज के बाद
हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज वेयर वी विल बी एक्सपेक्टिंग सेंसर अपडेट फ्रॉम द लेजर एंड कार्ब एंड ऑल्टीमीटर्स. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस rough braking phase के दौरान 800 न्यूटन के चारों throttle इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं. अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट अल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है. जी हाँ, हम अपने जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं. Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है. अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी. We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine braking phase which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा. We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1
किलोमीटर के आसपास है। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट, विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase one. The altitude is being brought down from 800 meters, and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the lunar हाँ, surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हायरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only two engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल